धरती पर डॉक्टर स्वर्ग में भगवान की तरह है। मानव जाति को उनकी मानवीय सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर आने से डॉक्टरों को ज्यादा समय तक काम और लोगों की ज्यादा नाराजगी झेलने मिल रही है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस इस दिन को मनाते हुए आज हम एक खास चर्चा करेंगे। नागपुर के मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुशील मानधनिया से और जानेंगे राष्ट्रीय डॉक्टर डे पर डॉक्टरों के संघर्ष, लगन और उपलब्धियों के बारे में। साथ ही डॉक्टर सुशील मानधनिया ने कोरोना की दूसरी लहर पर दिया एक खास संदेश। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील मानधनिया, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नागपुर। मैं नागपुर में लास्ट 12 साल से कैंसर में काम कर रहा हूँ और कैंसर के मरीजों की सेवा में 12 साल से हूँ। सर, आपने बताया कि आप 12 साल से कैंसर के मरीजों की सेवा में हैं। डॉक्टर बनने की जो चाहत थी, ये कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरह से उसको बचपन में फ्लो मिला, क्या कहेंगे जो जर्नी है उसको शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए। ऐसा कोई विशेष कुछ था नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ, पर कैंसर का स्पेशलिस्ट बनना ये जरूर मेरे दिमाग में था। तो जब MBBS में मैं एंट्री किया तब मेरे ग्रैंडफादर को कैंसर हुआ था, फिर उसके बाद में मेरे चाची को हुआ, मेरे मामी को हुआ और उसके बाद में मेरे मौसा जी को भी हुआ। तो एक डेढ़ साल में मैं काफ़ी कैंसर के मरीजों को लेके मैं टाटा हॉस्पिटल जाता था और उसमें मेरे 6-7 महीने भी काफ़ी इन्वॉल्व हुए। तब मुझे समझ में आया कि कैंसर की ट्रीटमेंट कितनी डिफ़िकल्ट है और एक कैंसर के मरीज को कितना मरीज, उसके परिवार, उसके घर वाले किस पीड़ा से और किस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जब कुर्सी के उस पार बैठते तभी समझ में आता है। तभी मैंने सोचा था कि हाँ, जब तक मैं कैंसर में ही अपना स्पेशलाइजेशन करूँगा। और आई एम थैंकफुल भगवान ने मुझे मौका दिया है। सर, पढ़ाई के बाद का जो समय था, प्रैक्टिस का जो समय था, इंटर्नशिप कहा जाता है, वो दौर किस तरह का था? क्योंकि आजकल पढ़ाई तो कर लेते हैं, इंटर्नशिप में बहुत से जो न्यू कमर लड़के हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट चले जाते हैं, नहीं कर पाते, क्या कहेंगे? कैसा हो रहा है ना कि जो ट्रांजिशन आया है, ये ट्रीटमेंट, ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो हमारे बैच से आया था। क्योंकि उसके पहले ना एंट्रेंस नहीं था, पर जब से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आई है, अब बच्चे कैसा होता है ना कि हर बच्चा एक एंट्रेंस की बुक लेके रहता है और उसका एक उद्देश्य होता है, MBBS तो पास होनी है, PG करना है। तो जब वो MBBS उसके लिए कुछ नहीं, एक डिग्री बन के रह गई और जहाँ तक हो सके उनको प्रैक्टिकल नॉलेज उस समय नहीं हो पाता, क्योंकि वो पूरी की पूरी समय, पूरा का पूरा इंटर्नशिप, पूरा का पूरा समय वो टोटल एंट्रेंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी में रहते हैं। तो क्लिनिकल नॉलेज नहीं के बराबर रहता है। तो ये मेजर डिफेक्ट हो गया। तो दैट्स मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग ए वेरी रॉ MBBS डॉक्टर्स नाउ। तो ये एक तो एक चीज़ है, एक तो सिस्टम का फेलियर है, वो उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको इस तरह से सिस्टम मिल रहा है और इसी सिस्टम में वो ढल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की डेफिनेटली कमी है। तो ये इसका एक उदाहरण हमको इसलिए मिल रहा है कि अभी देखेंगे सीट्स इतनी बढ़ गई है, PG की सीट्स इतनी बढ़ गई है, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है, तो इस कॉम्पिटिशन में टिके रहने के लिए उनके पास कोई चारा ही नहीं है। जी सर, बात की जाए तो ऐसे जो न्यू कमर है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको आपके तरफ से एज ए डॉक्टर क्या संदेश आप देंगे उनको? देखिए, मेरा ये बोलना है कि MBBS की जो पढ़ाई है, डॉक्टर की जो पढ़ाई है, एक बहुत ही लंबी युद्ध है। जैसे मुझे 16 साल लग गए, तो आपको अगर MBBS, PG और फिर सुपर स्पेशलिटी करना है तो एक लंबी लंबी लड़ाई है। ये खुद से भी है, समाज से भी है, घर वालों से भी है। काफ़ी घर वाले भी नाराज़ हो जाते हैं बिकॉज हम उनके कोई काम में काम नहीं कर पाते, सिवाय पढ़ाई के हम दूसरी तरफ फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बोलना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी भी जियो, पॉजिटिव भी रहो, अपने हॉबी को भी एंटरटेनमेंट भी रखो, हॉबी को भी एनकरेज करो। क्योंकि आप देखोगे कि डॉक्टर्स में यंग डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मुझे लगता नहीं दुनिया का ऐसा कोई भी प्रोफेशन होगा जिसमें 18-22 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है लगातार, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसमें कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते और आपको स्ट्रेस में, और आपकी एक छोटी सी भी गलती से पेशेंट की डेथ हो सकती है। ऐसा कोई भी नहीं है। जजेस को भी 10 मौके मिलते हैं। अगर आप ये यही देखो कि 10 साल तक के केस चलती है और जब जजमेंट जज देता है और उसके 15 मिनट बाद हाईकोर्ट उसको बोल देता है कि जजमेंट गलत है, पर डॉक्टर को तो उसी के समय उसी टेबल पे वहीं के वहीं डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि इतना स्ट्रेस को आपको स्ट्रेस को हैंडल करते आना चाहिए। हमको फेलियर्स को फेस करना है, फेलियर्स को कैसे हैंडल कर सके, और हमको ये समझना है कि एक हार से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है और यू हैव टू फाइट इट आउट एंड बी पॉजिटिव। जी सर,
जी, आपने जैसे कहा कि अभी भी ऐसा डॉक्टर की पढ़ाई एक युद्ध है, तो सर ये युद्ध डॉक्टर बनने के बावजूद भी खत्म नहीं होता है। जैसे आपने देखा, आपने कहा कि पिछले 12 वर्षों से आप कैंसर के पेशेंट को संभाल रहे हैं, आज तक के अनगिनत कैंसर के पेशेंट आपने ट्रीट किए हुए हैं, पर अभी अगर देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी आई हुई है, 100 साल में एक बार आई है, ये महामारी जो है इसने बहुत उत्पात मचा के रखा हुआ है, और डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो है दिल जान से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट के परिजनों की ओर से डॉक्टरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उंगलियाँ उठाई जा रही है, तो क्या कहेंगे एज डॉक्टर, आपको क्या लगता है ये कि सत्ता के ठीक है? देखिए, कैसा है कि हर व्यक्ति परेशान है अभी, और आप देखो कि हर एक की दिनचर्या में एक चेंज आया है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आया, दुकानें बंद हो गई है, काम धंधे बंद हो गए, फाइनेंशियली परेशान है, बच्चे परेशान है, स्कूल बंद हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फाइनेंशियल एक मेजर रीज़न है, और उसके ऊपर से अगर आपके खर्चे पूरे वाजिब लागू है और आपके पास इनकम नहीं है, तो ये एक इमोशनल जो स्ट्रेस्ड है और इमोशनल जो बर्स्ट है ये होने वाला है ये पेशेंट के प्रति, तो मैं उनको कोई ब्लेम नहीं देना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि कैसा होता है ना कि इसमें काफ़ी चीज़ें की मिश्रण है, अकेले एक चीज़ वो नहीं है जवाबदारी चीज़ के लिए, उनके पास इनपुट्स है, किसी प्रकार का किसी से कुछ दुष्व्यवहार होगा तो वो खुद पे भी उस तरह से लेने की कोशिश करते हैं, और उनका कहीं ना कहीं गुस्सा वो डॉक्टर पे निकल जाता है। पर ऐसे मरीजों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी ख़राब समय है, पर ज़रूरी नहीं कि ऐसे रहेगा, अच्छा आएगा। तो अभी के समय जब अभी समय ख़राब है, तब मेरी सलाह रहेगी कि उस समय अपने आप को बचाओ, क्योंकि आज की पोजीशन में अगर हमको आज, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ 31 मार्च की, आज की पोजीशन में अगर नागपुर में हमको कोरोना होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी बेड मिलने में बहुत मुश्किल जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको कब होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझो ये अगर आपको जनवरी में होता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो दैट मीन्स कि जब समय ख़राब चल रहा है तो प्रोटेक्शन प्रिकॉशन पूरी तरह से लेने हैं। माफ़ करना, मैं मास्क निकाला हूँ क्योंकि मुझे बात करना है, पर अदरवाइज मास्क को बिल्कुल ना निकाले, नाक के नीचे भी ना करें, क्योंकि जितने भी पेशेंट आते हैं मास्क पहनते जरूर है, पर नाक के नीचे रहेगा या कान पे लटकते रहेगा या मुंह में खर्रा रहेगा। या दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कहीं भी किसी के भी साथ में खाइए मत जाके, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो कोविड के पॉजिटिवनेस देखी है, ये एक साथ पार्टी में मिले, घर पे मिले, दोस्त आए घर में, साथ में बैठ के खाए, इसमें मुझे लगता है कि इंट्रैक्शन बहुत सीवियर होता है, उस समय मास्क अपना नीचे हो जाता है और वहाँ रिस्क बहुत हाई रहती है। तो मेजर ये अगर आप बोलोगे एक ही चीज़ बताइए जो कोविड से बचा सकती है, मेरा सहना रहेगा कि मास्क, अच्छे क्वालिटी का मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर ये दो चीज़ भी आप अच्छी से करो, मुझे लगता है कि आप इससे डेफिनेटली बचोगे। सर, लास्टली वैक्सीन, आपने जैसे बताया कि कोरोना के सारे केसेस बढ़ रहे हैं, सभी तरफ एक डर का माहौल बना हुआ है, नॉन कोविड पेशेंट के दिल में भी एक ऐसा ही डर बना हुआ है, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका उपचार प्रभु रूप से होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होता है तो वो और ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अगर हम अपने कैंसर क्लिनिक की अगर बात करें तो पेशेंट अभी आने से भी घबरा रहे हैं धीरे धीरे कोरोना को ध्यान में देते हुए, ऐसे लोगों को क्या संदेश आपके आगे बढ़ने से मिले? देखिए, कैसा है कि कैंसर की जो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मैंने देखा है कि लास्ट जो एक साल में कैंसर के हार्डली ऐसे कोई मरीज थे जो ट्रीटमेंट चला था, जिन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कैंसर का मरीज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित और मोटिवेटेड होता है। अब उनकी भी मजबूरियाँ होती है, सबसे बड़ी मजबूरी है कि ट्रैवलिंग, अब आप देखोगे कि जो चीज़ 500 रुपये में होती थी उसके लिए उसको 4,000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, एक एम्बुलेंस जो 2,000 रुपये लेती थी अब 10,000 रुपये ले रही है, तो ये जो इतने खर्चे हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन है नागपुर में, एंट्री के रिस्ट्रिक्शन है, जाने के रिस्ट्रिक्शन है, अगर पेशेंट नागपुर से ट्रीटमेंट लेके बाई चांस अगर छिंदवाड़ा वापस जाता है तो उसको 10 लोग परेशान करते हैं कि भाई नागपुर तो कोरोना का था, तुम कोरोना के वहाँ से आए तो आप हमको 10 दिन आपको क्वारंटाइन करेंगे, तो शायद इसके कारण वो थोड़ा सा उनमें डर है। पर ऐसे लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है अपने आप में एक कोरोना से भी बड़ा ट्रीटमेंट है, और ऐसे मरीज मैंने देखा कि बहुत ही वो स्ट्रांग होते हैं, तो उनमें मैंने देखा कि ट्रीटमेंट नहीं छोड़ी उन्होंने पेशेंट ने। अगर आप मुझे बोलोगे कि 100 पेशेंट में से तो हार्डली एक आधी पेशेंट ने मेरे होंगे जो नहीं आए, और उनका भी वो कारण वही था, ट्रैवलिंग बैन या कोई लॉजिस्टिकल रीज़न, मुझे उनकी इच्छा जरूर थी ट्रीटमेंट लेने की पर वो आ नहीं पाए। तो कोविड मुझे लगता है कि कैंसर को नहीं डरा पाया, कैंसर के मरीजों को नहीं डरा पाया, पर लॉजिस्टिकल रीज़न ज़रूर है बेचारों को, कोई इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, किसी को आने जाने की प्रॉब्लम आ सकती है, और जिस तरह से वो कैंसर के मरीज होते हैं ना, वो ऑन एनी हो वो ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, वो मास्क पहनते ही है और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं, उनके पास जनरली बाकी के लोगों को हम पहले अलाउ नहीं करते डे वन से कीमोथेरेपी जब चलती है, तो उसके कारण भी थोड़े से वो सेफ रहते हैं इस चीज़ से। जी सर, बट ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पेशेंट हैं जो नहीं आ सकते, जैसे आपने कहा हाँ, लॉजिस्टिक रीज़न की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपसे संपर्क करना है, आपके द्वारा ट्रीटमेंट उनको लेना है,
तो अभी जैसे तकनीक बढ़ गई है, तो इस तकनीक का किस तरह से हेल्प लेके वो आपसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं? देखिए कैसे, हमारे पास सब एक पेशेंट्स के नंबर होते हैं और हमारे सबके पास नंबर फीडेड होते हैं, तो हमारे जो भी मरीज को जो भी प्रॉब्लम होता है वो उसी नंबर से हमें फ़ोन करता है। हर हमें पता होता है कि ये पेशेंट आज नहीं आया तो कुछ कारण वैसे था, हमारा पहला रोल रहता है कि हम तुरंत उसको उसी दिन शाम को फ़ोन करते हैं कि आप क्यों नहीं आ पाए। अगर वो कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे स्टाफ मुझसे उनसे बात करा देता है, पर उनको ये फील ना हो कि भाई मेरा डॉक्टर से मैं नहीं जा पाया तो मेरा ट्रीटमेंट लेट हो गया, इसके कारण मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। तो उससे हम फ़ोन पे हम जितना हो सके हम उनको सहायता देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और पॉजिटिवनेस देते हैं, और कोशिश करते हैं कि कुछ अगर ओरल ट्रीटमेंट दे पाए उनको फ़ोन पे, या उनके डॉक्टर से बात कर लेते कि भाई आप ये चीज़ इनको इतनी एटलीस्ट इतना शुरू कर दे। और बहुत ही ख़राब कंडीशन में हमने देखा है कि हम उसके हमारे पास डेटा होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है, तो हम उसको प्रोटोकॉल बना के वापस फ़ोन पे व्हाट्सएप कर देते ताकि वो दवा वहाँ उसको लग जाए, ताकि उसके ट्रीटमेंट लेट ना हो या बीमारी बढ़े ना। मैंने कोविड को ध्यान में लेते हुए कैंसर पेशेंट जो भी है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से ट्रीटमेंट की जो वे है वो खुली है। मुझे लगता है कि कैंसर मरीज नहीं, सभी मरीज को मुझे लगता है कि किसी को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, पर प्रिकॉशन जरूर लेना है। हमने ये देखा है कि प्रॉब्लम तभी आया जब हमने हमारे गार्ड्स डाउन किए हैं। गार्ड्स का मतलब है या तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और जिसको 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 भी संभव हो सके वैक्सीन मिल रही है जरूर 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 लेना चाहिए। ये मैंने मेजर डिफेक्ट देखा है अभी कि पेशेंट को मिल रही थी पर नहीं, डॉक्टर साहब थे, बाकी लोगों ने बताया कि बहुत बुखार आता है, फिर हमको तो कोविशील्ड ही मिल रही थी, हमको कोवैक्सीन नहीं मिल रही थी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको वैक्सीन मिल रही है, आपको वैक्सीन लेनी ही है। और आप एक बात समझ लीजिए कि जो 100 रुपये की तकलीफ है अगर आपको 1 रुपये की हो रही है तो आप 100 रुपये की लेना चाहोगे कि 1 रुपये की लेना चाहोगे? ऑब्वियसली हम 1 रुपये की लेना चाहेंगे। तो जो दर्द है, थोड़ा बहुत एक दिन का बुखार है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, बिकॉज अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो मैं आपको इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि आपकी सीवियरिटी बहुत ही कम हो जाएगी और बहुत चांसेस है कि आपको भर्ती की जरूरत ही ना पड़े। अगर बाय चांस खुदा ना भगवान ना करे ऐसा हो जाए, अगर होता भी है तो आपको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर